तो गैस यहाँ पे मैं आप ही लोग के कमेंट पढ़ रहा था, तो काफी लोगों के कमेंट थे कि आप एग्रीकल्चर के फील्ड में भी कुछ बनाओ। तो आज से जो हम लोग एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं, तो आज जो हम लोग इलेक्ट्रिक कल्टीवेटर बनाने वाले हैं, तो काफी सिंपल और इजी मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। तो बिना समय गवाए वीडियो को करते स्टार्ट। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारा हैंडल का काम था पूरा हो चुका है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमने सीधा रखा है, उसके बाद में साइड से यहाँ पे हमने कट कर दिया। कट करने के बाद ये यहाँ पे इस तरह जाके यहाँ पे भी हमने एक कट करके उसको बैंड किया। तो ओवरऑल अगर आप लुक देखेंगे इस तरह हैंडल के जैसा बन गया है। आगे बैंड इसलिए किया क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से जो ये पाइप दिख रहा है सीधा जाने देते तो आगे फिटिंग का इश्यू होता है, इसलिए यहाँ से हमने इसको सीधा रखा। उसके बाद यहाँ से हमने टर्न दे दिया जिससे क्या एक कम्फर्ट और फिटिंग जो है एकदम प्रॉपर रहेगी। तो इस तरह देख सकते हैं ये जो हैंडल हमारा कंप्लीट हुआ है। तो अभी नीचे का जो कल्टीवेटर यहाँ पे मैंने एक एंगल वेल्डिंग मार के यहाँ पे होल पास पट्टी लगा दी, इसके नीचे भी हमने सेम चीज वेल्डिंग मारा। तो यहाँ पे जो है हैंडल और कल्टीवेटर की हाइट फिक्स मींस अगर आप एडजस्ट कर सको उसके लिए हमने यहाँ पे ये लगाया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ठीक है, तभी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा हाइट फिक्स हो गया। तो अगर आप अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर कोई छोटा बैठ रहा है या लंबा बैठ रहा है वो अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पे हमको दो होल और भी मिल जाता है। तो वायरिंग की बात करें तो यहाँ से मोटर से दो वायर जाते हैं, एक फेस वायर एक सेंसर वायर। तो यहाँ पे तीन कलर के फेस वायर होते हैं और ये छह पिन वाले सेंसर वायर होते हैं। कलर टू कलर आपको कंट्रोलर में भी सेम वायर मिलेंगे, तो कलर टू कलर आपको लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पे हमको जो थ्रोटल का वायर मिलेगा जो एक्सीलेटर से आएगा उसका भी तीन वायर रहेगा, रेड ब्लैक
और ग्रीन कलर का, वो तीनों आपका तीन पिन रहेगा उसके साथ में जो है कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में एक की स्विच का रहेगा ऑन ऑफ के लिए, वो यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं की स्विच का हमारा कनेक्टेड है। की स्विच के बाद में एक जो लास्ट जो रहता है ये हमारा बैटरी का रहता है, कंट्रोलर को बैटरी के साथ में कनेक्ट कर देना है जिससे हमारी सारी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। पहली चीज तो यहाँ पे जो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहले जो था मैंने रबड़ का टायर यूज किया था, तो वो क्या होता था कि जब भी हम मिट्टी पे चलते थे तो जब ये हमारा पीछे का जो कल्टीवेटर है ये जब जमीन में धंसता था तो आगे का टायर मिट्टी पे ही स्लिप करता था, ग्रिप लेके आगे नहीं जाता था, जिसकी वजह से हमने क्या किया टायर रिमूव किया आगे ग्रिप ले उसके हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया। जिस तरह आपने देखा होगा कि किस तरह हमने इसको बनाया है, तो एक तो ये है कि ग्रिपिंग मिले उसके लिए आप कुछ ऐसा बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हैंडल, पहले मैंने क्या किया था ये बैटरी वाला पोर्शन यहाँ पे फिट किया था जिसकी वजह से हैंडल जो हमको काफ़ी भारी लग रहा था जिससे टर्निंग का इशू आ रहा था, तो हो सके तो आप जो बैटरी या कंट्रोलर जो भी फिट करेंगे वो आगे करिए जिससे क्या हैंडल का वजन कम रहेगा तो आप टर्निंग इजीली ले सकते हैं। तीसरी चीज़ अगर यहाँ पे आपने देखा होगा कल्टीवेटर का नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये वाला आपको थोड़ा राउंड रखना है, ये जो पोर्शन है अगर आप ये वाला राउंड ये अगर आप एकदम सीधा रखेंगे तो क्या है कि आपको धक्का मारना पड़ेगा, मोटर सीधा नहीं ले पाएगा। अगर आप इसको क्रॉस में रखेंगे सी शेप में रहेगा तो क्या करेगा मिट्टी को काटते काटते जाएगा, आपने इस तरह रखा है ठीक है तो ये इस तरह जाएगा तो उसको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा और मोटर भी जल्दी खींच नहीं पाएगा। अगर उसको सी शेप दे देते आप तो वो मिट्टी को काटते काटते जाएगा और मोटर को भी कम मेहनत लगेगी। और दूसरी बात यहाँ पे जो मैंने मोटर यूज़ की है, अगर आपकी ज़मीन जो है सॉइल जो है एकदम हार्ड है तो वहाँ पे जो है आपको खुद का भी फोर्स लगाना पड़ेगा, मोटर अकेले नहीं चल पाएगा। अगर आपके जहाँ पे आप कर रहे हैं मिट्टी सॉफ्ट है वहाँ पे आप इजीली मोटर तो चली सकती है, और अगर बीच में कहीं फंस जाता है तो आप थोड़ा अपना फोर्स लगा के भी उसको चला सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है नॉर्मल मिट्टी में ये एकदम ईजिली चलता है और काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है, लेकिन अगर मिट्टी आपकी थोड़ी हार्ड है तो उसमें आपको थोड़ी मेहनत लगानी पड़ सकती है। बाकी मटेरियल्स के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि यहाँ पे जो मैंने ये यूज़ किया था ये मैंने कहाँ से ख़रीदा था, तो ये वाला पोर्शन जो है आपको कोई भी अगर आप हार्डवेयर का या फिर टूल्स के जहाँ पे दुकान होंगे जहाँ पे भी फावड़े या फिर कुल्हाड़ी हथौड़ी छेनी ये जहाँ पे हार्डवेयर के स्टॉल होंगे तो वहाँ पे जाके अगर आप बताएंगे और फोटो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप वीडियो में से उनको दिखाएंगे तो ये आपको वहाँ से दे देंगे, तो वहाँ से आप लेके इसको बैंड करके बना सकते हैं। यहाँ पे जो है इसका मैं पार्ट टू भी बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मेरे साथ में संगम था, तो ये इन्होंने जो है प्रोजेक्ट में काफ़ी हेल्प की है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था, तो इसका जो मैं पार्ट टू बनाने वाला हूँ वो उनका इनके चैनल पे भी आ जाएगा। इन्होंने अभी एक चैनल बनाया हुआ है जिसपे थोड़े बहुत वीडियो अपलोड करते हैं, उनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो अगर इसका पार्ट टू भी बनेगा तो इनके चैनल पे आएगा तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।